संवाद है, एक मॉड्यूलेशन है जो कि आपको कहीं ना कहीं ला करके स्थिरता प्रदान करता है। एक संगीत आपका है, अब हम बजाएंगे आपके सामने। उसका दूसरा रूप है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है? एक निबद्ध प्रकृति का भाव, निबद्ध यानी कंपोज्ड फॉर्म। उसके स्वर कॉम्बिनेशन कंपोज्ड है, उसमें काव्य साहित्य है। सोने जा इसका सूफियाना भाव क्या है कि हमारा जो मन है एक लट की तरह उलझ सा गया है, समझ नहीं आ रहा कैसे सुलझाए उसको। तो इस जो मॉड्यूलेशन बना है कंपोजिशन का, लट उलझी सुन जा लगी अपने हाथ लगा जा लटे। अब देखिए वाद्य उसको कैसे गाता है, इसके पास गला नहीं है, ध्वनि है। Thank you.
ये बड़ी प्यारी सी बंदिश, और बंदिशें बहुत सारे भाव कह जाती हैं। तो पहला पोर्शन आपने देखा अलाप, जो कि शांत चित्त का प्रभाव देता था। इसमें हमारे मन की गति थोड़ी बढ़ी, तो अब अंत में एक हिस्सा होता है झाला, क्योंकि बहुत तीव्र गति तक और बड़ा झनकृत करता है हमारे मन, और लगभग सभी को पसंद आता है, बच्चे बूढ़े जवान सभी। तो एक मिनट का उसमें हिस्सा हम दिखाएंगे आपको। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हम खुशी के मारे जैसे नाचने लगते हैं, प्रसन्नता जैसे मोर नाचता है, वो भाव जैसे इसमें। संगीत में रागों के अतिरिक्त, जो कि हमारे मनोदशा पर अलग अलग तरीके की गति का प्रभाव डालते हैं। अब मैं कुछ गीतों की लाइन, लता मंगेशकर जी हमारी जो भारत रत्न रही, उनको दो तीन मिनट में ट्रिब्यूट करना चाहूँगा आप लोगों की अगर आज्ञा है तो। कुछ उनके जो बहुत प्रिय गीत थे जो उन्हें समर्पित थे, तीन चार गीत ज़्यादा नहीं, और एक स्थाई और एक अंतरा, क्योंकि समय भी कम। एक गज़ल की सुनी होगी आप लोगों ने, फिल्मी ही है। रहते थे कभी जिनके दिल में, रहते
Thank you.